हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये प्यारी सी ब्लाउज की बैक नेक के डिज़ाइन। सो इसके लिए सबसे पहले हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को यहाँ पे कट कर लिया हुआ है। सो यहाँ पे इस तरह से हमने इसे रखा हुआ है। तो अस्तर की जो हमने यहाँ ब्लाउज की जो लेंथ लेनी है वो 15 इंचज की ली हुई है मैंने, और यहाँ पर शोल्डर मैंने 7 इंच का लिया हुआ है। नेक के लिए हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर देंगे, क्योंकि ये हमारा बोट नेक बनने वाला है बैक साइड से। और नीचे की यहाँ पे डेप्थ हमने 3 इंच की देनी है। इस तरह से लाइन को हम मिला लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह से ड्रॉ कर लेना होगा, और यहाँ पर भी हम 4 इंच तक इसे बढ़ा लेंगे। अब नीचे से हमें 2 इंच का इस तरह से मार्जिन रख लेना होगा। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें इस तरह से शेप देना होगा। सो इस तरह से शेप अच्छे से हमने दे दिया है। सो अब हम अपनी जो अस्तर वाली फैब्रिक को इस तरह से कट कर लिया है। मेन फैब्रिक को हमें अभी कट नहीं करना है। सो हमें क्या करना है, अब अपने मेन फैब्रिक को लेना है और इस तरह से हमें सीधी साइड को ऊपर की साइड रखना है, और इसी पे हम अपने अस्तर को इस तरह से बैठाएंगे और नीचे वाली जो नेक है उसकी हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट सिलाई नहीं कर पा रहे हो तो आप इसमें पिनअप कर लें अच्छे से और फिर सिलाई लगाएं। तो इस तरह से सिल लेने के बाद अब जो मेन फैब्रिक है हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। और इस तरह से कट लगाने के बाद पूरे में हम इस तरह से छोटा छोटा कट लगा लेंगे, और सिलाई को हमें कट नहीं करना है, ध्यान से हमें कट करना है यहाँ पे। और फिर इसे सीधा करके हम आयरन से अच्छे से बैठा लेंगे इस तरह से। अब हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे अस्तर पर। सो यहाँ पे मैंने इसे पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब हमारे जो ये नेक है इस पर हमें लगानी है लैस, तो इसके लिए मैंने ये गोल्डन लैस लिया हुआ है, और इससे हमें अब चलिए इस नेक पे बैठा कर सिलाई लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर से यहाँ से इसे लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। सो इसी तरह से हमें पूरे नेक पे ये लैस को अच्छे से लगा लेना होगा। तो यहाँ मैंने पूरे में ये लेस लगा लिया है। अब एंड में हमारा इस तरह से फोल्ड करेंगे हम, और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद अब हमें जो हमारे बोट नेक है उस पर हम पट्टी लगा करके और उसे भी फिनिशिंग टच दे देंगे। तो यहाँ के लिए देखिए मैंने इस तरह से रेप कपड़ा कट किया हुआ है, और इसे भी हम सिल लेते हैं और इसे अब फोल्ड करके हम इस तरह से अंदर की साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे नेक हमारा तैयार हो चुका है। अब नीचे की साइड पे हमें दोनों साइड पे टक्स लगा लेना होगा, और नीचे भी हमें पट्टी लगा के सिलाई लगा लेनी होगी। तो यहाँ मैंने यहाँ दोनों साइड पे टक्स लगा लिया है और इसे नीचे से भी फिनिशिंग टच दे दिया है। अब हम इसमें बो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंचज लंबी और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी हुई है 9.5 इंचज का, और इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा मार्जिन रखना है हमें, और पूरे में सिलाई लगा लेनी है, और सारे कोन्स को हम इस तरह से सिल के कट कर लेंगे। अब यहाँ जो हमने मार्जिन रखा था वहाँ से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे, और फिर इसे ऊपर की साइड से भी बैठाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सो इसके बाद हमने यहाँ पे एक लंबी पट्टी कट की हुई है। इसकी जो लेंथ होगी यहाँ पे 4 इंचज़ की होगी, और इसकी जो विड्थ होगी टोटल हमने यहाँ पे 25 इंचज़ का लिया हुआ है। और इसे हमें क्या करना होगा, सेंटर से कट कर लेना होगा। मीन्स हमें यहाँ पे 2 पीसेस चाहिए इसकी। सो इस तरह से हमने इसे कट कर लेना होगा, और फिर हमें क्या करना होगा, दोनों जो डिज़ाइन है वो सेम मिलाते हुए हमें
इस तरह से वापस से हम इसे बैठाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे सेंटर से। सो फोल्ड कर लेने के बाद हमें इसे नीचे की साइड से इस तरह से तिरछा कट कर लेना होगा। अब हम इसके बाद इसे एक एक करके और सिलाई लगाएंगे और उसके बाद आप इसे किसी भी नोकीली चीज़ से सीधा कर ले अच्छे से कोन को निकालते हुए। तो यहाँ इसे मैंने सीधा कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ब्लाउज को अपना लेना है, पहले जो बैक साइड की हमने तैयार किया था बैक साइड को उसे हम लेंगे अभी। और ऊपर की साइड हमें सेंटर में ये दोनों स्ट्रिप्स को बैठा करके सिलाई लगानी है अच्छे से। सो इस तरह से हम इसे एक पे एक बैठाएंगे इस तरह से और ऊपर में हम सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसे इस तरह से सिल लिया है। अब हमें जो हम बोक के लिए ये पट्टी तैयार की थी इसे हम इस तरह से सेंटर से छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे और सेंटर में इसे इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। तो इसे हम सुई धागे की हेल्प से लगाने वाले हैं। तो इस तरह से सुई धागे से आप इस पे सबसे पहले अपने बोक पे दो तीन सिलाई लगा लें और हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हम इसे इस पे बैठाएंगे और सिलाई लगाएंगे और साथ ही सेंटर में मैं यहाँ पे एक छोटी सी गोल्डन कलर की बटन लगाने वाली हूँ। तो चलिए इसे हम तैयार कर लेते हैं। सो गाइस इस तरह से हमारा ये जो ब्लाउज का बैक डिज़ाइन है बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।